हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो गाइज, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जो IBPS PO का फॉर्म आया है उसके बारे में पूरा डिटेल में जानने वाले हैं कि इसका एप्लीकेशन कब से शुरू हो रहा है, इसकी लास्ट डेट क्या है, इसमें कितना फीस हम पेमेंट हमको करना होगा और इसमें कौन कौन सी पोस्ट हैं, इसमें कितने बैंक इंक्लूड हैं, इसमें कितने बैंक हैं। तो गाइज, चलिए हम पूरा डिटेल में जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं हूँ रतन राज और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल श्री बारिश टेक में। गाइज, चलिए हम स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस की बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। गाइज, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी रिक्वेस्ट है कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया इसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको हमारी सारी वीडियो की लेटेस्ट अपडेशन पर मिलती रहे। गाइज, चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। गाइज, सबसे पहले हम अपने गूगल क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेते हैं। तो गाइज, हम यहाँ से अपने गूगल क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेते हैं। गाइज, जैसे हमारा गूगल क्रोम ब्राउजर ओपन होता है, हमको सरकारी रिजल्ट डॉट कॉम को ओपन कर लेना होगा। तो गाइज, हम यहाँ से सरकारी रिजल्ट डॉट कॉम को ओपन कर लेते हैं। गाइज, जैसे मेरा सरकारी रिजल्ट डॉट कॉम ओपन होता है, तो फिर हमको सिंपली यहाँ से स्क्रॉल करके नीचे चले आना है। गाइज, जैसे हम स्क्रॉल करके नीचे आते हैं तो देखिए गाइज, आपको यहाँ एक लेटेस्ट जॉब ऑप्शन दिख रहा है। आपको यहाँ पे देखिए नीचे एक ऑप्शन दिख रहा है, IBPS PO 11 ऑनलाइन फॉर्म 2021। तो फ्रेंड्स, आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना होगा। चलिए गाइज, हम इस पर क्लिक कर देते हैं। गाइज, जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं, देखिए यहाँ एक नए पेज में ओपन हो जाएगा। तो गाइज, हम स्क्रॉल करके नीचे चले आते हैं। गाइज, जैसे हम स्क्रॉल करके नीचे आते हैं तो गाइज देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डेट दी हुई है, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। जो इसका एप्लीकेशन है वो 20/10/2021 से शुरू होगा और इसका जो लास्ट डेट है अप्लाई करने का 10/11/2021 को है। और फ्रेंड्स, जो इसका फीस का लास्ट डेट है फीस पेमेंट को 10 नवंबर 2021 है। और फ्रेंड्स, जो इसका प्री एग्जाम ट्रेनिंग है वो नवंबर दिसंबर 2021 में ही होगा। और गाइज, जो इसका प्री एग्जाम डेट है वो 4 से 11 दिसंबर 2021 के बीच में होगा और जो मेंस एग्जाम डेट है वो जनवरी 2022 में होगा। और गाइस, यदि हम इसके एप्लीकेशन फॉर्म की जो फीस है उसकी बात करें तो जनरल OBC के लिए 850 रुपये है, SC ST PS के लिए 175 रुपये है। तो गाइस, चलिए हम स्क्रॉल करके और नीचे देख लेते हैं। गाइस, जैसे हम स्क्रॉल करके नीचे आते हैं तो गाइस देखिए हमें पोस्ट दिए हुए हैं। जैसे गाइस, यहाँ देखिए टोटल पोस्ट है वो 4135 टोटल पोस्ट यहाँ पे दिए हुए हैं। और फ्रेंड, जो इसका एज लिमिट है वो 20 से 30 साल के बीच होना कंपलसरी है। और फ्रेंड, जो इसकी एलिजिबिलिटी है वो बैचलर डिग्री होनी चाहिए। तो गाइस, चलिए हम और नीचे देख लेते हैं। गाइस, जैसे हम और नीचे आते हैं तो फ्रेंड देखिए यहाँ दिया है IBPS PO फेज 11 रिक्वायरमेंट बैंक वाइज वैकेंसी डिटेल्स। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ, जैसे बैंक ऑफ इंडिया BOI, इसमें 588 पोस्ट हैं। और फ्रेंड्स, इसी प्रकार बैंक ऑफ महाराष्ट्र BOM 400 पोस्ट हैं। इसी प्रकार से कैनरा में 650 पोस्ट हैं। इसी प्रकार से सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में 620। तो फ्रेंड्स, इसी प्रकार देखिए यहाँ टोटल पूरा दिए हुए हैं कि इसमें कितने पोस्ट दिए हुए हैं, आप इसको यहाँ से देख लीजिएगा। तो गाइस, चलिए हम स्क्रॉल करके और नीचे आ जाते हैं। तो गाइस, जैसे हम स्क्रॉल करके नीचे आते हैं देखिए गाइस, यहाँ दिया है हाउ टू फिल IBPS PO फेज 11 रिक्वायरमेंट 2021-22 ऑनलाइन फॉर्म। तो गाइस, आपको यहाँ पे कैसे फिल करना है पूरा डिटेल में दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे इसको देख लीजिएगा। तो गाइस, चलिए हम स्क्रॉल करके और नीचे आ जाते हैं। गाइस, जैसे हम स्क्रॉल करके और नीचे आते हैं तो गाइस देखिए यहाँ पर अभी जो इसका लिंक है एक्टिवेट नहीं हुआ है, क्योंकि गाइस जो इसका अप्लाई करने का लिंक है वो 20/10/2021 को ही एक्टिवेट होगा। और गाइस, इसके बाद यहाँ दिया है डाउनलोड IBPS फेज 11 फुल नोटिफिकेशन। तो गाइस, चलिए हम यहाँ से नोटिफिकेशन डाउनलोड करके देख लेते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। तो गाइस, जो यहाँ पे फुल नोटिफिकेशन है, चलिए हम इसके सामने जो क्लिक हियर ऑप्शन है हम इस पर क्लिक कर देते हैं। गाइस, जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं देखिए गाइस, यहाँ जो मेरा फुल नोटिफिकेशन है इसका डाउनलोड हो रहा है। गाइस, जैसे यहाँ डाउनलोड होता है, चलिए हम आपको बताते हैं इसके बारे में डिटेल में। तो फ्रेंड, चलिए हम स्क्रॉल करके नीचे आ जाते हैं। गाइस, जैसे हम स्क्रॉल करके यहाँ से नीचे आते हैं देखिए गाइस, यहाँ दिया हुआ है पार्टिसिपेटिंग बैंक। गाइस, इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया किसमें कितना पोस्ट है, शुरू में ही बता दिया है। और गाइस, उसके बाद देखिए नीचे दिया हुआ है टेंटेटिव शेड्यूल ऑफ इवेंट इज एस फॉलो। तो फ्रेंड्स, यहाँ देखिए एक्टिविटी दिया हुआ है, टेंटेटिव डेट दिए हुए हैं। जैसे गाइस, यहाँ दिया ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। तो गाइस, यहाँ मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि ये 20/10/2021 से शुरू होगा और 10/11/2021 को इसका जो रजिस्ट्रेशन है वो बंद हो जाएगा। और गाइस, जो इसके फीस पेमेंट का जो लास्ट डेट है वो भी सेम ही है, 20/10/2021 को शुरू होगा और 11/10/2021 को फीस पेमेंट जो उसका लास्ट डेट है वो ऑफ हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए हम स्क्रॉल करके नीचे आ जाते हैं। गाइस, जैसे हम स्क्रॉल करके नीचे आते हैं देखिए गाइस, यहाँ दिया है डाउनलोड ऑफ
कार लेटर्स फॉर प्री एग्जाम ट्रेनिंग। तो फ्रेंड्स ये नवंबर 2021 में डाउनलोड होगा। कंडक्ट ऑफ प्री एग्जाम ट्रेनिंग फ्रेंड्स ये नवंबर दिसंबर 2021 में होगा। तो गाइज आप इसको यहाँ पूरा देख लीजिएगा। और गाइज जिसका मेंस ऑनलाइन एग्जाम है ये जनवरी 2022 में होगा। इसका रिजल्ट कब आएगा और इसका इंटरव्यू कब, यहाँ पूरा डिटेल में आपको दिया हुआ है, आप यहाँ देख लीजिएगा। हम यहाँ आपको शॉर्ट में बता रहे हैं, ज़्यादा डिटेल में बताएंगे तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो फ्रेंड चलिए हम स्क्रॉल करके और नीचे आ जाते हैं। गाइस जैसे हम स्क्रॉल करके नीचे आते हैं, देखिए गाइस यहाँ दिए है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो फ्रेंड्स आप यहाँ देख सकते हैं कि इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होनी चाहिए। फ्रेंड जैसे मैंने आपको पहली शॉर्ट बता दिया है कि आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, वो किसी भी यूनिवर्सिटी से हो। और फ्रेंड्स यहाँ देखिए नेशनलिटी दिया है और सिटीजनशिप। तो गाइस आप यहाँ सिटीजनशिप बारे में पूरा डिटेल में देख लीजिएगा। तो गाइस चलिए हम इसके नीचे आते हैं। फ्रेंड जैसे हम इसके नीचे आते हैं तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए एज लिमिट दिया हुआ है जिसके बारे में मैंने आपको पहले से ही बता दिया। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे एज रिलैक्सेशन दिया हुआ, किसको कितना एज रिलैक्सेशन मिल सकता है पर कैटेगरी वाइज दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स आप इसको डिटेल में देख लीजिएगा। तो गाइस चलिए हम और नीचे आ जाते हैं। तो गाइस जैसे हम नीचे आते हैं यहाँ देखिए दिया हुआ है रिजर्वेशन फॉर पर्सन विथ बेंच मार्क डिसएबिलिटीज। तो गाइस यहाँ आप देखिए जो PWD में आते हैं उनके लिए कुछ शॉर्ट शॉर्ट में नेम दिए हुए हैं, आप इसको डिटेल में देख लीजिएगा किसके लिए क्या अप्लाई यहाँ पर होगा। तो गाइस हम और नीचे आ जाते हैं। गाइस जैसे हम यहाँ पे और नीचे आते हैं तो गाइस जैसे हम नीचे आते हैं देखिए यहाँ दिया है CRP ऑनलाइन एग्जामिनेशंस। तो फ्रेंड्स यहाँ जो प्री एग्जाम है फ्रेंड्स इसमें कौन कौन सब्जेक्ट आने वाले, किससे कौन कौन टेस्ट होगा आपको यहाँ दिया हुआ है। जैसे कि इंग्लिश लैंग्वेज है फ्रेंड्स इसमें जो है 30 क्वेश्चन होंगे और जिसमें मैक्सिमम मार्क होगा 30 होगा। मीडियम ऑफ एग्जाम इंग्लिश ही होगा और गाइस जो इसका टाइम है ये 20 मिनट का होगा। और फ्रेंड्स इसी प्रकार से क्वांटिटी एप्टीट्यूड 35 क्वेश्चन होंगे, 35 और जो इसमें मैक्सिमम मार्क होंगे 35 होंगे, इंग्लिश और हिंदी ये दोनों में होगा। और फ्रेंड्स जहाँ पे रीजनिंग एबिलिटी है इसमें जो फ्रेंड्स नंबर ऑफ क्वेश्चन वो 35 है और मैक्सिमम मार्क 35 है और ये इंग्लिश और हिंदी दोनों में होगा और उसमें भी 20 मिनट का ही ये पेपर होगा। तो गाइस यहाँ पे तो गाइस यहाँ पे टोटल 100 क्वेश्चन होंगे और मैक्सिमम मार्क भी 100 होगा। और गाइस हम बात करें मेंस की तो गाइस देखिए यहाँ मेंस दिया है, सब्जेक्ट दिया है रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड। और फ्रेंड्स इसी प्रकार से यहाँ जितने भी सब्जेक्ट दिए हैं जैसे जनरल इकोनॉमिक बैंकिंग अवेयरनेस इंग्लिश लैंग्वेज डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए किसमें कितने क्वेश्चन के सामने दिए हुए हैं, मैक्सिमम मार्क कितने दिए हुए हैं और इसमें मीडियम क्या होगा, किस मीडियम से आप इसको पेपर दे सकते हैं इसके भी दिए हुए हैं। और सामने यहाँ पर आपको टाइम भी दिया होगा किसमें कितना समय आपको मिलेगा। और फ्रेंड्स यहाँ देखिए जो पांचवा दिया है इंग्लिश लैंग्वेज लेटर राइटिंग एंड एसे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे लेटर राइटिंग और एसे भी होगा जिसमें 2 क्वेश्चन होंगे, मैक्सिमम 25 नंबर के होंगे और ये मीडियम ऑफ इंग्लिश इंग्लिश ही होगा, आप इसको इंग्लिश में ही दे सकते हैं। तो गाइस जैसे हम स्क्रॉल करके और नीचे आते हैं, गाइस देखिए यहाँ दिया हुआ है पार्टिसिपेटिंग ऑर्गेनाइजेशंस। तो फ्रेंड्स इसमें BOB भी है, बैंक ऑफ इंडिया भी है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र भी है। तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए इसमें कौन से कैटेगरी के लिए कितने पोस्ट हैं यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे गाइस यहाँ BOB के लिए किसी भी कोई पोस्ट नहीं है चाहे वो जॉब कैटेगरी हो। तो फ्रेंड्स यहाँ BOB इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है इससे क्योंकि यहाँ पे इसकी कोई भी वैकेंसी नहीं है। और गाइस इसके बाद देखिए बैंक ऑफ इंडिया इसमें SC के लिए 88 है, ST के लिए 44 है और फ्रेंड्स इसी प्रकार से यहाँ जनरल के लिए 240 है। तो फ्रेंड्स आप इसी प्रकार से कैटेगरी वाइज कौन से बैंक कितनी पोस्ट है आप इसको यहाँ पे देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप आप सबको जानकारी अच्छी लगेगी। फ्रेंड्स वीडियो अच्छे है, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए क्योंकि गाइस आपको इसी प्रकार के अमेजिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो हमारे चैनल पर कंटिन्यू मिलती रहती है। और फ्रेंड्स किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप हमारे इंस्टाग्राम पे हमसे कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो आप हमारे वीडियो पर कमेंट भी कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक से, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।